हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो यहां से वो टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आप देखिए एक लिस्ट हमने बनाई हुई है। अगर इस लिस्ट के अंदर से कुछ भी रिमूव करना है तो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पे एल आई एस टी लिस्ट नाम से बनाया था और डॉट लिखेंगे पॉप, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करेंगे और यहाँ पे करवाएंगे प्रिंट। तो अब देखेंगे लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा, बचेगा क्या, राम श्याम और रानी, ये तीन नाम बच जाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो ये देखिए ये हो गया। और यहां से आप फाइव करते हैं इसको सेव करने के लिए, इसको कोई भी नाम देकर के हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट पी वाई लगा देता हूँ, एंटर कर देते हैं तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला नाम जो रितेश था वो गायब हो गया है। यानी पॉप का तो काम समझ में आता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लास्ट वाला नाम नहीं, हम जैसा चाहे वैसा ये काम करे, उस स्थान से चीजें गायब हो या उस स्थान में चीजें ऐड हो जाए जिस प्लेस पर हम चाहते हो, तो उसके लिए इंसर्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिस्ट डॉट इंसर्ट लिखा और यहां पे हम चाहते हैं जीरो नंबर पे। अब देखिए ये इंडेक्सिंग जीरो से ही तो स्टार्ट होती है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। हम चाहते हैं जीरो नंबर पर जो नाम मैं लिखने वाला हूं वो ऐड हो जाए। तो अब यहां पे जीरो कॉमा, यहां पे एक नाम दे देता हूं लोकेश नाम दे दिया। अब देखिए यहां पर इसको हम चलाते हैं तो क्या होता है, फाइव प्रेस करते हैं एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जीरो नंबर पे लोकेश ऐड हो गया है। देख सकते हैं ना, ये लिस्ट के फंक्शंस हैं। अब देखिए अब यहां पर हम चाहते हैं ना लोकेश जीरो नहीं बल्कि टू नंबर पे ऐड हो, तो टू क्या होगा, यानी जीरो राम हो जाएगा, वन श्याम हो जाएगा और टू पे रानी के पहले और श्याम के बाद यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर F5 प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे स्थिति कुछ वैसी ही स्थिति बन जाएगी। तो ये तो हो गया इंसर्ट। अगर आपको अब डिलीट करना है तो डिलीट के लिए क्या करेंगे, डिलीट भी तो एक काम है। तो डिलीट के लिए तो रिमूव आप लगाते हैं, लेकिन आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यही लिख देना है इंडेक्सिंग जीरो की है, यानी जीरो से हमें जीरो नंबर वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो राम जो है डिलीट हो जाएगा इसमें से। तो राम को डिलीट करने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ये देखिए F5 किया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे देखेंगे श्याम रानी और रितेश आ रहा है, ठीक है, एकदम आसान है, ठीक है। जबकि पॉप में ये कहानी नहीं होती थी, पॉप में अलग होता था और अपेंड में भी अलग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दो नंबर का एलिमेंट डिलीट करना हो तो जीरो वन टू यानी कि रानी डिलीट हो जाएगा, तो रानी को छोड़कर के बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी।